सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाड़ा डेली पंजाब न्यूज़ दे विच। दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर, तख्त श्री केसगढ़ साहब वापरी वड्डी घटना, चली गोली, आई ताज़ा वड्डी खबर। सो दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर आ, सो खबर नूं शुरू तो लैके आखिर तक जरूर देख लैना, तुहानूं पूरी खबर बारे पता चल जाएगा। उस तो पहला दोस्तों एक छोटी जिही बेनती आ, साडी वीडियो नूं लाइक शेयर अते चैनल नूं सबसक्राइब करना भी ना भुलना। हाँ जी, हुण तक श्री केसगढ़ साहब विखे एक वड्डी घटना वापरी है, जिथे गोली चलन की ताज़ा वड्डी खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी अनुसार तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे अज सवेरे उस समय हफड़ा दफड़ी का माहौल देखा गया, जदों एक निहंग सिंह वालों श्रद्धा सत्कार नाल तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे नतमस्तक होया। उस पिछों इस निहंग वालों अपने लसंसी पिस्तौल नाल हवाई फायर कर दिता गया। इस कारण उस जगह पर मौजूद संगत डर गई और उन्होंने वलों भाजड़ा पै गया। हाँ जी, इस व्यक्ति को तुरंत काबू किया गया और स्थानक पुलिस के हवाले कर दिया गया। निहंग सिंह के बाने विच इस व्यक्ति की पहचान कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी पानीपत हरियाणा वजो हुई है। इसने दसया है कि उसकी मंशा किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं सी। हाँ जी, उस वलों गुरुद्वारा साहब की परिक्रमा करने पिछों यह फायर गुरु साहब को सलामी देने वास्ते किया गया सी। उत्थे ये लोगों की धार्मिक भावनावां ठेस पहुँचाउण अते अशांति फैलाउण वाली घटना है। इस बारे गलबात करदिया होया तख्त श्री केसगढ़ साहब के मैनेजर भगवंत सिंह ने कहा है कि अज सवेरे वापरी यह घटना मदभागी है और इस व्यक्ति के खिलाफ बनती कार्रवाई होनी चाहिए है, क्योंकि इस व्यक्ति वालों अजिही कुछ ही हरकत करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई है।